नरवर शिक्षा विकासखंड के मगरोनी संकुल क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय मिहापुरा में पदस्थ शिक्षक हवलदार सिंह राजपूत के द्वारा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में काफी लंबे समय से लापरवाही बरतने में चूक नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि स्कूल में कब आते हैं और कब जाते हैं, शायद यहाँ स्कूल के शुद्ध लेने वाला जिम्मेदार अधिकारी कोई नहीं है। स्कूल में दो शिक्षक पदस्थ होने के बाद भी कक्षा 1 से 5 तक स्कूल में दर्जनों बच्चों को ज़्यादातर एक शिक्षक के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। आए दिन छुट्टी का आवेदन स्कूल प्रभारी के टेबल पर रखकर स्कूल से नदारद रहते हैं। स्कूल में उपस्थित रहने का समय भी इनकी मनमर्जी के मुताबिक रहता है। जब इसकी शिकायत ग्रामीण सुनील रावत ने मकरोनी संकुल केंद्रीय प्रभारी से की तो प्रभारी के द्वारा कोई जाँच नहीं कराई गई और ना ही कोई कार्रवाई की गई। लेकिन यहां शिकायत के बाद बौखलाए शिक्षक हवलदार सिंह राजपूत ने शिकायतकर्ता को फोन पर गाली गलौज करते हुए विधायक के नाम का सहारा लेकर धमकी दे डाली। कहा कि तू सरकारी आदमी से उलझा नहीं है, जेल में पहुंचा दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस शिक्षक के द्वारा बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाती हो के साफ तौर पर उसकी बातों से सुनाई देता है और समझ में आता है। शिक्षक हवलदार सिंह राजपूत ने शिकायतकर्ता को फोन पर गाली गलौज देते हुए शिकायतकर्ता को धमकी दी। शासकीय माध्यमिक विद्यालय मिहावरा में दो टीचर पदस्थ हैं, उनके बारे में मैं समस्या आपको अवगत कराना चाहता हूं, जिसमें दो टीचर में से एक टीचर मिस्टर हवलदार सिंह राजपूत जो रेगुलर पढ़ाने के लिए बच्चों को नहीं आते हैं, और मैंने इनकी कंप्लेंट की संकुल प्रभारी महोदय जी के यहाँ पे मगरोनी, तो इनके द्वारा भी जो है आज दिन दिनांक तक कोई कार्रवाई वैधानिक नहीं की गई है। ये पूरा मामला नरवर शिक्षा विकासखंड के मगरोनी संकुल क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय मिहावरा का है, जहां पदस्थ शिक्षक हवलदार सिंह राजपूत के द्वारा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में काफी लंबे समय से लापरवाही की जा रही है। जी मैं सोनू बोल रहा था सर, कौन बोल रहे हो आप? सुनाओ। मैं हवलदार सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, ठाकुर मिहावरा पढ़ाने जाता हूँ मोरेना से। जी जी बताएं। बताएं क्या, तू मेरी शिकायत क्यों की तूने? कहाँ पर? मियावरा मिडिल प्राइमरी स्कूल की। नहीं, मैंने किससे की शिकायत आपकी? शिकायत ऊपर की है, आज अधिकारी जांच करने आया था। नहीं, मैंने किससे की? तूने कौन से फोन तो करी होगी? नहीं आप बताओ ना, आप मेरे से बोल रहे हो ना, तो मैंने कहाँ की? मैंने यहाँ चेक करने, आज हमारा बीएससी बीडी कुछवा आया था, उसने बताई के वो उप सरपंच है कोई बनियानी का, उसने शिकायत की है। हाँ, तो शिकायत किस विषय की है, और मतलब क्या वो प्रूफ है उसके पास के इस व्यक्ति ने जो शिकायत? अच्छा अच्छा, और तुझे पता होना चाहिए कि लाखन सिंह किरार और मैं भी किरार हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। दरबार का विधायक लाखन सिंह किरार और मैं भी किरार हूँ, और तेरे पे हो जाए वो कर लेना, मैं बनियानी से रोजाना मियावरा जाऊंगा, उंगली लगा के बता देना। हेलो कौन? इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी कमर खान जुड़ चुके हैं। कमर, क्या पूरा मामला है, आखिर क्यों स्कूल शिक्षक के द्वारा शिकायतकर्ता को धमकी दी गई? उदय मैं बता दूं, ये नरवर शिक्षा विकास खंड का मगरोनी संकुल क्षेत्र के अंदर अंतर्गत आता है, शासकीय प्राथमिक विद्यालय मिहावरा का जी। तो यहाँ पे क्या है, जो एक शिक्षक है वहाँ पे दो शिक्षक है, एक जो है हवलदार सिंह राजपूत, दूसरे जो है सुरेश कोहली। तो ये दो शिक्षक हैं, लेकिन कक्षा 1 से 5 तक के ज्यादातर अधिकतर बच्चों को सुरेश कोहली के ही द्वारा पढ़ाया जाता है। हवलदार सिंह राजपूत कुछ दबंग टाइप के हैं,
वो कब आते हैं कब जाते हैं विद्यालय में उनका कोई समय नहीं है, उनको कोई निर्देशों से शासन के निर्देशों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं जिस रोज गया हुआ था स्कूल, तो स्कूल में जाके देखा तो वो 2:30 बजे 2:45 बजे वहां से निकल गए थे, स्कूल ही छोड़ दिया था जी। अब इसकी जब वो वहां पे जो ग्रामीण है सुनील रावत, उसने जब शिकायत की संकुल केंद्र पे, तो प्रभारी के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई जांच कराई गई। तो फिर उनने जो है धमकी दी है उसको, तो बहुत गाली गलौज भी की है, जो कि ऑडियो भी उसके पास है, वो ऑडियो उसने पीड़ित ने शिकायतकर्ता ने हमें उपलब्ध कराया था जी। हमारे अगर बात करें इस पूरे मामले में, एक शिक्षक के व्यवहार जो होता है वो शालीन होता है, वो बच्चों को ऐसी शिक्षा देता है कि आप विनर बने, लेकिन जिस तरह से शिक्षक का बर्ताव सामने आ रहा है, एक शिकायतकर्ता को इस तरह से फोन पर धमकी दी जा रही है और एक धौंस टाइप की दी जा रही है कि इस व्यक्ति से मेरा संबंध है और इस तरह से बातें की जा रही, क्या इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद क्या शिक्षक पर अब किसी तरह की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? शिक्षक के ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए, वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही है, जो कि शिक्षक इस तरह से शिक्षक को बच्चों को जो शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं उनमें एक शालीनता होनी चाहिए। अगर कोई गलती या किसी ने शिकायत की है तो आप गलत हो गए जब ही शिकायत की है, या उसकी जांच कराना चाहिए। इस तरह से आप किसी से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और फिर जो है राजनेताओं को नाम को जो है बदनाम करके उनकी आड़ में आप जो है धमकी दे रहा है मैं पुलिस में बंद करा दूंगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है और बहुत बड़ी मतलब इसमें ऐसे शिक्षकों के ऊपर तो कार्रवाई बनती है। अब अधिकारी क्यों तो कार्रवाई नहीं करते, वरिष्ठ अधिकारी लापरवाह बने हुए, उन्हीं की लापरवाही का ये नतीजा है जी। हमारे अगर बात करें तो कब से इस तरह का रूटीन जो है वो शिक्षक के द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि शिक्षक आप बता रहे हैं कि शिक्षक के ना तो आने का स्कूल में कोई टाइम है ना जाने का कोई टाइम है, तो क्योंकि एक रजिस्टर भी होता है अटेंडेंस रजिस्टर, जहां शिक्षक जो है अपने आने जाने का समय डालते हैं हस्ताक्षर करते हैं, तो क्या उसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं है? शिक्षक सिर्फ आते हैं अपने हिसाब से टाइम डालते हुए चले जाते हैं? हाँ, यहाँ निगरानी करने वाला कोई नहीं है। असल में क्या है, काफी लंबे समय से जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ विद्यालय पे पहुंचा, तो मैंने गाँव में भी और लोगों से जब उसके बारे में चर्चा की कि भाई ये विद्यालय, क्योंकि ये एक आदमी के कहने से हम नहीं मानेंगे कि ये गलत है ना, और भी लोगों से जब हमने ग्रामीण लोगों से जानकारी ली, तो उनका भी यही कहना था कि इनका तो भैया कोई समय नहीं है, वो तो आते हैं कब चले आते हैं, और ज्यादातर शासन के निर्देश हैं कि मुख्यालय पे रहना चाहिए, तो ये मुख्यालय पे कभी नहीं रहते, इनका निवास है भिंड, ये भिंड से आते हैं, हफ्ते में 2 दिन आ जाए 3 दिन आ जाए, और आके रजिस्टर पे हाजिरी इनकी पूरी मिलेंगी जी। तो कहीं ना कहीं विभाग की भी लापरवाही है कि विभाग के द्वारा जो है कभी मॉनिटरिंग नहीं की जाती, कभी विद्यालयों में जाके ये सारी चीज पे मतलब जांच नहीं की जाती है। एक बड़ा सवाल ये भी है और एक चिंता का विषय ये भी है कि अगर इस तरह से शिक्षक जो है स्कूल से नदारद रहेंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? फिर तो बच्चे भी स्कूल समय पर नहीं पहुंचेंगे, ना ही बच्चे का जो रुझान है वो पढ़ाई में हो पाएगा। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं इस वक्त? जैसा कि चैनल पे अपने वीडियो जो डाली गई है उसमें आप साफ तौर पे उसमें दिखाया भी गया है कि एक विद्यालय है जिसमें सिर्फ बच्चे बैठे हुए हैं, कुर्सी डली हुई है खाली, और दूसरा जो है 5 क्लासों के बच्चों को एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है, वो भी आधे बच्चे अलग कमरे में बैठे हुए हैं, आधे बच्चे अलग बैठे हुए हैं, एक टीचर उनको पढ़ा रहा है, तो किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी? कमर, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से शिक्षक के द्वारा शिकायतकर्ता को धमकी दी गई है, इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता के क्या कुछ कहना है? शिकायतकर्ता का यही कहना है, शिकायतकर्ता क्या थोड़ा उस पंचायत का ग्राम का जागरूक व्यक्ति है, वो कहीं भी अगर कुछ ऐसा गलत काम देखता है, चाहे पंचायत क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा को हो, या फिर स्वास्थ्य को लेके, तो वो कहीं ना कहीं शिकायत करता रहता है कि भाई इसका सुधार होना चाहिए, है ना। लेकिन अब अगर कोई शिकायत करता, अगर कोई किसी की गलती को अगर बता रहा है, शिकायत कर रहा है, उसके बाद में उसको धमकी दी जा रही है, तो सरासर ये तो एक नियमों की अवहेलना क्या, और एक कमर, तरह से कमर, देखा जाए तो ये ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद हम भी ये ऑडियो क्लिप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, ये ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद शिकायतकर्ता की क्या मांग, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए अब शिक्षक पर? शिकायतकर्ता का ये कहना है कि भी इनको जिस तरह से इनका व्यवहार है, तो इस तरह से तो इन पर कार्रवाई बनती है, इनको इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए भाई। अगर ये हाल रहा तो आगे ऐसे है ना शिक्षकों के खिलाफ, तो या ऐसे
जो मतलब गलत हरकतों का अपना जो है कहीं ना कहीं किसी का अगर कोई सपोर्ट है तो उसका नाजायज फायदा उठा के और अगर इस तरह से अपनी दबंगाई दिखाएंगे तो ये बहुत मतलब गलत बात है भाई। ये शासन के जो नियम में आ रहा है उस हिसाब से तो कार्रवाई उसमें बनती है जी। कमर तो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले के सामने के आने के बाद कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी अपने व्यवहार में शालीनता लानी चाहिए और इस तरह के वाक्य जो हैं सामने आते हैं तो इससे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है। कमर धन्यवाद आपके इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए।